हिसार की भाजपा नेता और टिकटॉक वाला ने कहा कि उंगलियां भी उठती हैं, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, मैं अपनी परवाह नहीं करती। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अन्याय करते हैं। सारे जितने मीडिया नहीं, 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 हमने तो बल्कि ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने देखा आपको मंडी में, मैंने देखा सुना। अब देखो ना यहाँ पे एक एक आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अवैध कब्जा करवाया गया सुल्तान सिंह सेक्रेटरी के द्वारा, वसूली की जा रही है, तीन चार दिन से प्रेशर बनाया जा रहा है, जो रोड है इन साथ वाले दुकानों ने 10-10% पैसा एक्स्ट्रा दे के और रोड की वाली दुकानें ली है, 10% एक्स्ट्रा दिया, लेकिन उस रोड वाली जगह पे सेक्रेटरी ने पैसा वसूल करके दूसरे लोगों को जगह दे दी सब्जी लगाने के लिए, तो क्या उसका क्या राइट है ये? और ये बातें ज़रूर मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी तक पहुँचेगी और इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए खड़े हैं। आप जैसे लोगों ने, जितने यूट्यूबर हैं, जितने मीडिया के साथी हैं, सब लोगों ने गलत दिखाया, मुझे बार बार गलत दिखाया, लेकिन मैं इन चीज़ों से डरने वाली नहीं हूँ। चाहे मीडिया में दिखाइए, चाहे कुछ भी दिखाइए, हम लोग जो समस्याएं हैं उनको ज़रूर बताऊंगी और ज़रूर उन लोगों के साथ खड़ी रहूंगी हमेशा। तो फिलहाल अभी मतलब उसको लेकर बड़ा खुलासा आज आपने किया, तो इस पे आगे बात भी करने वाले हैं मैम। नहीं, अगर मैं गलत होती तो आज वापस ये चीज़ें देखने को मिलती मुझे? जो नमस्कार, वापस नहीं, हमें अगर थोड़ा भी मतलब गैरत होती ना लोगों में, चाहे मीडिया के साथी हो, चाहे आम लोग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उसका साथ नहीं देते। किसान जितना दुखी था, चार चार दिन से चने लेके बैठा हुआ था, तो उनका दर्द नहीं दिखा किसी को। मुझे कहते हैं किसानों की बड़ी हमदर्द आ गई, तो भाई सुल्तान सिंह के हमदर्द बन जाओ ना। हाँ,